उत्तर प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और साथ में खेद भी प्रकट करता हूँ कि हमने पिछले कल इस प्रेस वार्ता का आयोजन रखा था और हम समय पे नहीं पहुँच पाने के कारण उसको मैं पोस्टपोन करना पड़ा। उसके लिए आपको जो परेशानी हुई उसके लिए हमें खेद है। आज इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ उपस्थित मुख्य संरक्षक हमारे अरुण गुलेरिया जी, महासचिव हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के मनोज भाई और बहुत ही वरिष्ठ साथी हमारे जो संगठन के बहुत ही सीनियर हैं, जिला मंडी के प्रधान तिलक नायक जी हमारे बीच इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं। काफ़ी लंबे अंतराल बाद हम प्रेस वार्ता का आयोजन कर रहे हैं विधिवत रूप से, क्योंकि बीच में काफ़ी समय तक इलेक्शन का दौर रहा, कोड ऑफ कंडक्ट रहा और हम नहीं चाहते थे कि किसी भी पार्टी को ये लगे कि ये संगठन राजनीतिक काम कर रहा है। और क्योंकि जिस तरह से हमने 5 साल लगातार संघर्ष किया, कर्मचारियों के मुद्दे उठाए, उन मुद्दों को पॉलिटिसाइज करने का किसी को मौका मिले, तो इसलिए क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट में किसी तरह का मुद्दा उठाने का कोई मतलब नहीं था तो हमने आपके समक्ष मुद्दे भी नहीं उठाए। आज सबसे पहले क्योंकि एक नई सरकार, नए सूर्योदय का जो एक सवेरा हुआ है, नया सूर्योदय हुआ है, नई सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर जो बनी है, आप देख रहे हैं कि उस सरकार के प्रति लोगों का बहुत विश्वास है और बड़ी उम्मीदें भी उस सरकार से हैं। जिस तरह से 3-4 दिन से मैं भी देख रहा हूँ, आप भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि इतना लोगों का एक जुमावड़ा लगा हुआ है मिलने के लिए, एक एक्साइटमेंट है, एक लोगों में एक विश्वास है, क्योंकि दोनों नए चेहरे हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान सुखेंद्र सुक्खू जी और जो उप मुख्यमंत्री बने हैं श्रीमान मुकेश अग्निहोत्री जी, दोनों का एक लंबा अनुभव है संगठन के अंदर भी और सरकार के अंदर भी, और युवा शक्ति है और ग्रासरूट से उठे हुए लोग हैं, जमीनी स्तर के नेता है, तो शायद इस वजह से कर्मचारियों का, आम जनता का एक बहुत बड़ा विश्वास है, उनकी बहुत बड़ी जवाबदेही भी शायद बन जाएगी हिमाचल की जनता के लिए। तो मैं ऐसी दोनों शख्सियत को आज पूरे कर्मचारियों की तरफ से बधाई देना चाहता हूँ और साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि हिमाचल के कर्मचारियों ने, हिमाचल की जनता ने आपको बहुत प्यार दिया है, बहुत विश्वास किया है, आप उन उम्मीदों पे खरा उतरे। इससे पहले भी सरकारें रही, इसके बाद भी सरकारें होगी, लेकिन 5 साल का जो सरकार का कार्यकाल रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, क्योंकि मैं टिप्पा टिकनी तो नहीं करना चाहता हूँ कि उससे कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है, पर कुछ चीज़ें जिसकी वजह से सरकार आज सत्ता से बाहर हुई, जो बार बार एक नारा सरकार के द्वारा दिया जा रहा था कि हम रिवाज बदलेंगे, हम इतिहास बदलेंगे, ना इतिहास बदला ना रिवाज बदला, उसके पीछे पार्टी की अपनी सोच हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी को, सरकार को जमीनी स्तर पर काम करने की आवश्यकता थी। जितना इन 5 सालों में कर्मचारी वर्ग फ्रस्ट्रेट हुआ है, प्रताड़ित हुआ है, निराश हुआ है, जितना कर्मचारियों को कुचला गया है इस सरकार के अंदर, जिस तरह से कर्मचारियों की बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीना गया इस सरकार के द्वारा, ऐसा इतिहास में हमने कभी पहले नहीं देखा। मेरी भी 22 साल की नौकरी हो गई है,
इतिहास के अंदर दो ऐसे मुख्यमंत्री कहलाएंगे जो कर्मचारी विरोधी मुख्यमंत्री रहे, आम लोगों के विरोधी मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने डेमोक्रेटिक सेटअप को खत्म करने का प्रयास किया, एक अपने आप में इतिहास बन गया। डेमोक्रेटिक संगठन होते हैं, उनको बोलने की आज़ादी होती है, उनको अपनी बात को रखने का एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इस सरकार ने कहा कि जो बोलेगा वो तड़ी पार होगा, जो अखबार में जाएगा, मीडिया में जाएगा, बाकायदा चिट्ठी निकाली गई विभाग के द्वारा, उसके खिलाफ फलाने फलाने नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। मतलब हम मुद्दे भी ना उठाए, जब जब हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने और मैंने जब मुद्दे उठाने शुरू किए तो तरह तरह के शो कॉज नोटिस मुझे आए। 2019 से लेकर लगातार मेरी चार्जशीट, अभी बड़ी बात होती है कुछ लोग, ये तो चार्जशीट हो गया, पता नहीं लोगों को लगता कि बड़ा भारी मुद्दा हो गया, मेरी तीन तीन चार्जशीटें बनाई सरकार ने, जवाब दिया, रिप्लाई दिया, उस जवाब का भी चार्जशीट बनाया कि आपका जवाब ठीक नहीं है। आप सोच सकते हैं जवाब देने के लिए भी चार्ज कितना, एक प्रताड़ना होती है, इसकी सीमा होती है। हमारे ऊपर FIR की गई, झूठी FIR, हम अगर बोले कि PTA को नियमित स्केल दो, PTA को नियमित करो, तो भी हमने गुनाह कर दिया, उसकी भी FIR कर दी, हम मुलजिम हो गए। तो इस तरह की मानसिकता के साथ ये सरकार आगे बढ़ी, हमने फिर भी उफ नहीं की। जब सरकार को लगा कि भाई ये तो कुछ डरने वाले नहीं है, और अनगिनत मुद्दे थे सरकार किस वक्त जो हमने रखे, मुझे लगता है सरकार को, पिछली सरकार को इंट्रोस्पेक्ट करने की आवश्यकता है कि हम हारे क्यों, कर्मचारी हमारे विरोधी क्यों हुए। वीरेंद्र चौहान ने कर्मचारियों को नहीं फुसलाया, वीरेंद्र चौहान ने कर्मचारियों को सरकार विरोधी नहीं बनाया। मेरे ऊपर एक ही आरोप लगा कि वीरेंद्र चौहान ने वो कर दिया, वीरेंद्र चौहान ने वो कर दिया, मैंने एक शब्द भी सरकार के खिलाफ नहीं बोला, मैंने मुद्दे उठाए। जब छठा वेतन आयोग आया तो हिमाचल के इतिहास में पहली बार होगा कि हम पंजाब से हर कर्मचारी पिछड़ गया। मैंने एक एक आंकड़े इसी हॉल में, इसी प्रेस रूम में आपको बताए, सबको बताए। जब वो आंकड़े आगे चले, सरकारों को लगा कि इसमें तो बड़ा भारी हेरफेर है, ये तो कर्मचारी जाग जाएंगे, पता लग जाएगा। और आज से पहले शायद ऐसा नहीं हुआ, किसी ने एजुकेट नहीं किया, किसी ने वो आंकड़े इतने दिल के साथ, दिल खोल के, इतनी हिम्मत करके नहीं बताया, किसी को नॉलेज नहीं होगी। जब ये बातें सामने आई तो सरकार ने एक पैनल जो है चाटुकारिता का हदे लांग के एक ग्रुप खड़ा कर दिया, जो गैर मान्यता प्राप्त लोग थे उनको संगठन का जिम्मा दे दिया। वो रोज़ बोलते रहते थे, रोज़ मेरे को कोसते रहते थे, हम फिर भी डटे रहे। हमने संयुक्त कर्मचारी महासंघ बनाया, मैं उन कर्मचारियों को आज बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने हमें सहयोग किया। हमने 4-5 जिलों में बड़े बड़े संघर्ष किए और हमने एक पटकथा तैयार कर दी संघर्ष की। उससे देखिए, अगर उस हिमाचल प्रदेश के अंदर कर्मचारी संघर्ष की बात करें तो वीरेंद्र चौहान के संगठन ने और मेरी सोच ने हिमाचल प्रदेश के अंदर संघर्ष शुरू किया, ये बात आप सब जानते हैं, मुझे लगता है आपसे अच्छा तो कोई जान नहीं सकता। हमने इसी प्रेस रूम में जो है एक नया इतिहास लिखा और हमने एक संयुक्त कर्मचारी महासंघ बनाया, हमने एक पूरा प्रोग्राम चौकआउट किया, जिलावार हमने धरने किए, उसमें हमने सारी एक एक चीज़ें बताई कि किस तरह से कर्मचारियों को 4-9-14 का लाभ खत्म हुआ, किस तरह से हम पे कमीशन में पिछड़े हैं, किस तरह से हमारी जो है जो राइडर की बात की जाए, जो राइडर कभी खत्म ही नहीं हो पाया, किस तरह से राइडर की कंडीशन हमारे ऊपर है, कैसे राइडर को उठाना है, कैसे 1-10-12 की नोटिफिकेशन की वजह से कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है, किस तरह से जो है हमारा जो है सरकार जो है जो DA है जिसके लिए आज भी हम तरस रहे हैं, 7% DA सरकार इलेक्शन में जाने तक आज भी नहीं दे पाई। आज भी हमारा जो है जुलाई और जनवरी का 4-3% DA है। कोई सरकार ऐसी नहीं होगी भारतवर्ष की जो इलेक्शन में जाती है और DA नहीं दे पाती कर्मचारियों को, पहली सरकार होगी मेरे ख्याल से। ये हारने के कारण बता रहा हूं मैं सरकार को, ये अगर बोले कि हम उसकी समीक्षा करेंगे तो समीक्षा ये है। उसके बाद क्या हुआ, सरकार कर्मचारियों का एरियर नहीं दे पाई पे कमीशन का, एनोमली तो दूर की बातें हैं, कमेटियां बनाती रही, कमेटियां बंदोबस्ते में रखी, फिर बोला हम आउटसोर्स के लिए बड़ा कुछ करने वाले हैं, वो आउटसोर्स के कर्मचारी भी प्रताड़ित हुए, शोषित हुए। फिर SMC टीचर्स जो मेरे बहुत ही बेचारे, उनको लगा कि हमारे लिए पता नहीं क्या होगा, उनके कुछ लोगों को चाटुकार लोगों को नेता बना दिया, उनके उनके मजा लग गई, वो कमाई का जरिया उनके लिए बन गया, वो पैसे इकट्ठे करते रहे 2500 लोगों से, कभी 2000 कभी 1000, वो पैसा कहाँ जाता था उसका कोई पता नहीं है, किसके जेब में गया वो। लेकिन बाद में क्या हुआ, उनके भी निराशा हाथ लगी, उनको पूरा बेवकूफ बनाया गया। उसी तरह से स्कूलों में कंप्यूटर टीचर्स हैं, वोकेशनल टीचर्स हैं, सबको एक छलने का प्रयास किया गया। हम उस बात को हाईलाइट करते रहे रोज लगातार, ये कुछ नहीं हो रहा, सब मूर्ख बनाने का प्रयास है,
ये सिर्फ टाइम काटा जा रहा है। और लास्टली अंत में वही चीज हुई, इन सब के ऊपर हमने एक आंदोलन तैयार किया। फिर उससे ऊपर जो सबसे बड़ी बात थी वो थी कर्मचारियों की पेंशन की बात। वो पेंशन का जो एक हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन का जो एक लड़ाई है, उस लड़ाई को एक बड़े अंजाम तक लिया जाए, इसके लिए संयुक्त कर्मचारी महासंघ जो हमने बनाया, हमने एक निश्चय लिया कि पेंशन बहाली के लिए 2-3 संगठन अलग भी बने हैं जो इसी काम को सिर्फ देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी 2-3 संगठन पेंशन बहाली के लिए काम करें, लेकिन और अन्य संगठन भी इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन संयुक्त कर्मचारी महासंघ एक ऐसा बड़ा हमने एक वट वृक्ष तैयार किया। हमने बोला कि जहां पे कमीशन की अनोमली को हम एड्रेस करेंगे, वहीं हमारी प्रायोरिटी जो है कर्मचारियों के लिए वो पे कमीशन की रहेगी। हमने जब जब हमने जिलों में धरने किए, फरवरी 2022 की बात करें तो हमने पे कमीशन को प्रमुखता से रखा। हमने बोला पे कमीशन को लड़ेंगे और हम सॉरी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए हम लड़ेंगे, उसके लिए ऐलान करेंगे। उसके बाद एनपीएस के कुछ लोगों ने बात की कि भाई हम चाहते हैं कि हम एक विधानसभा के सत्र के दौरान एक बड़ा धरना करें और उसमें एक बड़ी बात हो, नहीं तो हमारा पेंशन का मुद्दा दब जाएगा। मैं ऑन रिकॉर्ड उन लोगों के लिए बात कह रहा हूं कि उन्होंने जब हमसे बात डिस्कस की तो हमने कहा कि आपकी पेंशन बहाली आपकी नहीं है, एनपीएस संगठन का मामला मुद्दा नहीं है, ये हम सब का मुद्दा है। मैं ओपीएस में जाता हूं, मैं पुरानी पेंशन के दायरे में हूं, लेकिन मैं सबसे पहले उसके लिए खड़ा हूं और उसी लड़ाई में मैं विक्टिमाइज हुआ हूं आज, अगर आप देख रहे हैं उसी पेंशन की 3 मार्च की लड़ाई। हमने कहा कि ठीक है आप डेट फिक्स करो, हम 3 मार्च जो भी डेट आप फिक्स करेंगे, 3 मार्च की डेट फिक्स की। और हमने हर जिलों में कर्मचारियों को बोला कि 3 मार्च का दिन होगा जिसमें कर्मचारी एक इतिहास रचेगा और उसमें हमने ये दिखाना है कि हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी कितना एकजुट है। वो एक इतिहास बना 3 मार्च का जो दिन था पुरानी पेंशन के इतिहास में, कि उसमें सबसे ज्यादा कर्मचारी आए। अगर वो कर्मचारी आए तो उसमें हर संगठन का योगदान है, उसमें कोई एक संगठन ये ना सोचे कि हमने लोगों को लाया। उसमें संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने जहां जिलों में रैलियां की वहां से लोगों को हमने एजुकेट किया, वहां लोगों को मोटिवेट किया, लोग यहां पहुंचे। और उस 3 तारीख की रैली में भी हमने उसमें बढ़ चढ़ के अग्रणी भाग लिया, आप देख रहे हो उस चीज उस दिन भी। और वही मार पड़ी कि हिमाचल प्रदेश में संयुक्त कर्मचारी महासंघ के 10 पदाधिकारी जो है 14 तारीख को जो है उनके स्थानांतरण आदेश हुए, जिसमें हमारे जो संयुक्त कर्मचारी महासंघ में भी हमारे पास एडवाइजर थे प्रिंसिपल श्रीमान अरुण गुलेरिया जी, इनको उत्तराखंड के बॉर्डर में भेजा गया, मेरे को चांजू के बॉर्डर में, उधर चांजू तिस्सा का लास्ट पॉइंट जो उधर भेजा गया। हमारे उसके क्या कहते हैं मंडी के प्रधान है, आपको कुरसोक के ऐसे इंटीरियर भेजा गया जहां पे आज तक का सबसे रिमोटेस्ट एरिया होगा। ऐसे हमारे बहुत से लोगों को भेजा गया, हमने उफ नहीं की, हम चले गए। कोई ये बोले कि पेंशन बहाली में हमारा योगदान नहीं है या फलाने मुद्दे में हमारा योगदान नहीं है, शायद वो उन कर्मचारियों की भूल है। हमने हर लड़ाई को प्राथमिकता से लड़ा और आगे भी लड़ेंगे, मैं ये कहना चाहता हूं। लेकिन कुछ चाटुकार लोग जो 5 साल तक मजा लेते रहे, गुमराह करते रहे, आज वो मजे के स्टेशन लेके चले गए, उनको कोई मतलब नहीं था। ये सिलसिला चलता रहेगा, सरकार बदली है, ये चाटुकारिता की हदें चलती रहेगी। मैं ये कर्मचारियों को आज बताना चाहता हूं इस मंच से कि नई सरकार में नए लोग खड़े हो जाएंगे। जो लोग बिलों में घुसे थे 5 साल, वो निकलेंगे, वो बोलेंगे हम ही हैं जी आपके सर्व सरो, बाकी तो कोई नहीं, हमने सरकार सत्ता में लाई है, हमने पता नहीं क्या कर दिया, हमने तो तूफान से किस्ती लाए हैं हम निकाल के, और हमें अब वो पद चाहिए। तो ये हिमाचल प्रदेश की जो सरकार बनी है, दो बड़े बड़े चेहरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जिनको बड़ी जिम्मेवारी मिली है, मुझे लगता है वो अच्छे से जानते हैं, वो बहुत ही विवेकशील है, संगठन से उठे लोग हैं, वो ये जानते हैं कि कौन आदमी कहाँ डिजर्व करता है, किसने सेक्रीफाइस किया, और ये जानने की आवश्यकता भी है। और हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को इस बात को जानना होगा कि हम भावनाओं में ना बहें, कर्मचारियों के मुद्दे प्रायोरिटी पे होने चाहिए। मेरे लिए तब भी थे, मेरे लिए आज भी है। कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि वीरेंद्र चौहान तो अब तो सरकार की गोदी में बैठ गया। मैंने आज तक भी अपनी ट्रांसफर की बात नहीं की, कल भी बात नहीं हुई है। आपने देखा होगा कल हमने माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री के लिए हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी इतिहास में सबसे पहला और सबसे बड़ा कार्यक्रम किया, ढोल नगाड़ों के साथ अभिनंदन किया। आप सबने कवर किया, आप सबका बहुत बहुत आभार। उसके पीछे मंशा ये नहीं थी कि वीरेंद्र चौहान को कोई ट्रांसफर कैंसिल करवानी है, कोई मर्जी का स्टेशन चाहिए। कल मेरे और मेरे की साथी ने ये बात नहीं की कि हमारे को स्टेशन दो जी, ये हमारा प्रधान विक्टिमाइज है। हमने बोला सिस्टम के अंदर त्रुटियां, कल शाम को हमारी बैठकें हुई है कि सिस्टम के अंदर शिक्षा विभाग के अंदर जो हो रहा है, जिस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है,
शिक्षा विभाग जिस तरह से एक उसकी दुकान बन के काम कर रहा है, एक कठपुतली की तरह जिस तरह से शिक्षा विभाग के अंदर काम हो रहा है, शिक्षा निदेशक हायर एजुकेशन में जो घोटाले हो रहे हैं, जिस तरह से ट्रांसफरें 50,000 से 1,00,000 तक बिक रही है, निदेशक की आंख के नीचे जिस तरह से उनका एक जुगलबंदी चल रही है, जो चाटुकार नेता जो है सीधे कर्मचारियों से एक ट्रांसफर इंडस्ट्री पहली बार इतिहास में, इसको करप्शन बोलते हैं। मेरे पास आंकड़े हैं, मेरे पास सबूत है, मैं इसको पेश करूंगा सरकार के समक्ष। उन लोगों के खिलाफ जांच बढ़ाई जाए, मैंने कहा उन लोगों को बेनकाब किया जाए। हिमाचल एक शांत और ईमानदार प्रदेश है, यहाँ पर अगर इस तरह की धंधे शुरू हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ होने वाला है। यहाँ तक कि हमारे जो शिक्षा निदेशक महोदय हैं उनके ऊपर तो उनकी जॉइंट एडिशनल डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन जो सोनिया ठाकुर जी रहे, उनके अंडर जो काम करे, उसी विभाग के एडिशनल डायरेक्टर ने अनियमितताओं के, फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट के कितने आरोप लगाए। सरकार ने कार्रवाई करने के बजाय उस अधिकारी को बदल दिया है निदेशालय से, उससे क्या भ्रष्टाचार रुकेगा, उससे क्या सरकार की जो एक इमेज वो साफ हुई कि उससे इमेज खराब सरकार की हुई है। स्काउट एंड गाइड के अंदर कई अनगिनत घोटाले हो रहे हैं, परचेजिंग के अंदर दुनिया भर का गोलमोल हो रहा है, तो ये चीजें रोकनी पड़ेगी। और मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री को सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को, जिन्होंने सबसे पहले कहा है कि जीरो टॉलरेंस होगी भ्रष्टाचार के ऊपर, और हम इसमें हेल्प करेंगे कि ये सारे घोटाले, और एक बड़ा घोटाले जो निकलेंगे वो स्कूल शिक्षा बोर्ड के निकलने वाले हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड एक पैसों की दुकान बना, मैं बार बार आज नहीं बोल रहा हूं बातें, ये उनकी सरकार में बोलता था, मैं बोली कि नहीं बोली सर बताओ आप, जब बीजेपी की सरकार थी मैं तब भी ये बातें बोलता था, और तब उनके चाटुकार सामने आते थे, मैंने बोला कि मैं अगर गलत हूं तो मेरे को आप फांसी दे दो। पर अब इन घोटालों को स्कूल बोर्ड का चेयरमैन और सेक्रेटरी जो वहां बैठे वो बात करने को तैयार नहीं है। बच्चों का भविष्य दर पे कोरोना काल में 200 गुना फीस बढ़ा दिया हमने, 200 गुना, और दिया क्या टर्न बैटरन पे आप आए, किसके कहने से टर्न बैटरन लिया। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में जो प्रणाली चल रही थी परीक्षा प्रणाली, वही सफल होने वाली है। आपने टर्म एक के पेपर लिए अभी सितंबर में, अभी दिसंबर आ गया ना जी, अभी रिजल्ट नहीं आया, काहे को लिया आपने, आएगा भी नहीं, पता नहीं कब आएगा, आएगा तो यूनिवर्सिटी की तरह उसके हाल हो गए। टर्म टू के पेपर आ गए, उसका सिलेबस नहीं हुआ, कहते हैं किताबें हम अपनी प्रिंट करवाएंगे, और उसमें करोड़ रुपए का घोटाला है। कितने घोटाले हो गए, कितने घोटाले निकलेंगे इस सब के ऊपर, अगर सरकार जो है निरपेक्ष तरीके से निष्पक्ष काम करेगी तो मुझे लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी आएगा। और ये सारी बातें हमने कल कही, मांग की है कि इन सब चीजों पर बात करनी पड़ेगी। अगर आप जीरो टॉलरेंस की बात सच में कह रहे तो ये तो ये बड़ा संगीन बात, बात यही खत्म नहीं होती, बात और विभागों की भी है, क्योंकि जिस हैसियत से मैं आज कर्मचारियों ने मुझे एक और भी जिम्मा दिया, संयुक्त कर्मचारी महासंघ, उसमें और विभाग भी आते हैं, उसमें बोर्ड निगम भी आते हैं, उसमें पेंशनर भी आते हैं। हमारे पेंशनरों के हाल देखे तो सरकार के इशारों पे लगभग 30,000 पेंशनरों की रीफेक्सेशन के केस जो है बोरियो में भरे एजी ऑफिस में। लोग हमें फोन करते हैं कि मेरा केस निकलवाओ जी, इतने दिन हो गए जी, इतनी साली होगी भेज के हमारे को, इतना टाइम हो गया। अब जब एजी वाले से बात करते हैं, भाई साहब आप आओ और बोरी से उठा के ढूंढ लो, केस अगर ढूंढ सकते हो बोरियों भरे हुए, क्यों बोरियों में भरे गए, मैं एजी ऑफिस से भी पूछना चाहता हूं, एजी शिमला से भी ये बात करना चाहता हूं कि आपने बोरियों में क्यों केसेस भरे हुए, किसके इशारे पे ये हुआ है, क्या सरकार ने आपको बोला कि इनको बोरियों में भरो, क्या सरकार की गाइडलाइन थी कि आप जो है किसी का पेंशन फिक्सेशन सेटल ना करो। जो रिवीजन ऑफ पे स्केल 2022 में मिला हमें, वो पेंशनों के भी लागू होना है ना, वो जो 1/16 के बाद रिटायर्ड हुए उनकी रिवाइज होनी थी पहले सैलरी, फिर पेंशन बढ़नी थी उनकी, वो किसी को नहीं मिल रहा, एरियर उनको नहीं मिल रहा। हिमाचल प्रदेश के अंदर 1,60,000 पेंशनर है, मैं आपको बताना चाहता हूं, बात हो रही थी कि 2% कर्मचारियों का वोट है, फिर मैं करेक्ट करना चाहता हूं, 2% कर्मचारियों का वोट नहीं है, 40,00,000 वोट कास्ट हुआ लगभग। हिमाचल प्रदेश के अंदर 4.5 लाख पेंशनर और इंप्लॉयज है आउटसोर्स को मिला के, परिवार की बात नहीं करता, तो मैं ये आंकड़े दे रहा हूं, अगर हम उसका 10% भी लगाते हैं तो भी आपका 45 लाख बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10% तो मिनिमम हमारे पास जो वोट फ्लक्चुएट हुआ वो कर्मचारियों की वजह से हुआ है, और हर कर्मचारी घर में 4 से 10 आदमियों को इन्फ्लुएंस करता है, उनके बच्चे हैं, उनके फैमिली में बुजुर्ग है, रिश्तेदार है, वाइफ है, कोई और है। तो मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, मैंने बहुत पहले इस बात को कहा था, 1,000 बार बोला है
कि कर्मचारियों को नेगलेक्ट किए अगर भाजपा सरकार जो है दावे कर रही है या सपने देख रही है कि हिमाचल की सत्ता पे हम दोबारा से काबिज हो गए, तो भूल जाए वही हुआ है। बहुत सी सीटों पे आपने देखा होगा कर्मचारियों की वैसे बड़ा स्विंग हुआ है, बहुत कम मार्जिन पर। लेकिन हाँ, मैं दुख के साथ ये कह रहा हूँ, एक जिले में हम बहुत अच्छा नहीं कर पाए, एक जिले में हम बहुत पिछड़े हैं। उसका कारण स्पष्ट है, कारण यही है कि वहाँ कर्मचारियों को डराया गया। वहाँ पर कर्मचारी जो चाटुकार नेता थे, उन्होंने कर्मचारियों को ये बोला कि हमारे पास सारे आपके रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, अगर हम आप वोट नहीं देंगे तो सरकार हमारी बननी है, हमारे को सारे कर्मचारियों का पता है कौन कहाँ जा रहा है, इसलिए आपके ऊपर कार्रवाई होगी। कर्मचारी ट्रांसफर से डरता है, कर्मचारी कुछ मजबूरियाँ हैं, उस कारण जो है हम एक जिले में अच्छा कर्मचारी परफॉर्म नहीं कर पाए। और मैं कर्मचारी को तो यही कहना चाहता हूँ कि हमें यूनाइट होने की आवश्यकता है, बजाय कि हम छोटे छोटे ग्रुपों में बंट जाए। आज भी देख रहा हूँ मैं, आप चार दिन से देख रहे होंगे, कर्मचारी नेता दो दो लोगों को लेके फोटो और सेल्फी लेने में लगे थे। ये होती थी कर्मचारी नेताओं में, किसी कर्मचारियों को कि एक बड़ा ग्रुप जब तक कर्मचारियों का हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं होगा, तब तक हम बदलाव तो जरूर कर सकते हैं। पांच साल बाद, सुना मेरी बात बड़े ध्यान से, पांच साल बाद तो हम बदलाव कर लेंगे क्योंकि वोट का अधिकार हमारे पास है, लेकिन हम अपने अस्तित्व को उस सरकार के समक्ष नहीं रख पाएंगे कि उस सरकार से हम अपनी बातें उस टेबल पे मनवा सके। उसके लिए एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एक एनजीओ की लॉबी है। वो एनजीओ लॉबी तब थी जब बाकी विभागों के अंदर, बोर्ड के अंदर, निगमों के अंदर कर्मचारियों की संख्या नहीं थी या ना के बराबर थी, या शिक्षकों की संख्या बहुत कम थी, तब वो एग्जिस्ट करती होगी उस दौर में, जिस दौर की बात कर रहे हैं आप, 30-40 साल पुरानी। पर लेकिन आज तो एनजीओ की अगर संख्या की बात करें तो वो 20-30% है सारी, उसको ही कवर करता है एनजीओ। तो हिमाचल प्रदेश का जो 70% कर्मचारी है, क्या वो भी किसी के दायरे में आएगा? मैंने बहुत बार इस मुद्दे को उठाया, फिर उठा रहा हूं। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर एक ऐसा, इस तरह से एक डेमोक्रेटिक सिस्टम कर्मचारियों का सरकार बनाए, मैं ये मांग फिर से आज एक ही मांग मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के समक्ष कर रहा हूं और करूंगा भी, कि जिसमें एनजीओ के बजाय एक ऐसा संगठन हो कर्मचारियों का, उसका डेमोक्रेटिक चुनाव सरकार कराए, जिसमें सारे कर्मचारी, सारे विभाग, सारे बोर्ड, सारे निगम कवर हो, वो भी सरकार के ही कर्मचारी है अल्टीमेटली। तो जो कायदे कानून और नियम उनके ऊपर लागू होते हैं वो सरकार के होते हैं, और चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो आपका टूरिज्म है, चाहे वो एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी है, चाहे स्कूल शिक्षा बोर्ड है, चाहे एचपी यूनिवर्सिटी है, कुछ भी बात करो, तो ये सारे कर्मचारी जो है, या स्कूल के 80,000-90,000 शिक्षक है, चाहे यूनिवर्सिटी के शिक्षक है, ये सब एनजीओ के दायरे में नहीं आते। तो इसलिए आज एनजीओ का वजूद ना तो पहले था, ना पिछली गवर्नमेंट में रहा, मुझे लगता है आगे भी एनजीओ का वजूद नहीं रहने वाला, क्योंकि कोई नेता 5 साल तक एनजीओ का एक लॉबिंग सरकार के साथ करते हैं, वो 5 साल बिल्कुल शांत होकर अपने घरों में चले जाते हैं नौकरी करने, सरकार बदलती है तो फिर बारी बारी लगाते हैं। तो मैं इस प्रथा का भी विरोध करता हूं। मेरे से होता कि बहुत सारे नेता लोग सहमत ना हो, जो नियम से मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन सच्चाई आप भी समझते हैं, सच्चाई बोलने में वीरेंद्र चौहान नहीं चूकता है। तो हमें एक ऐसा एक संगठन कर्मचारियों का तैयार करना है, वो सरकार उसको नोटिफाई करे, सरकार उसके इलेक्शन करवाए, सरकार उसके साथ पूरी एक जेसीसी की बैठक एक पूरे कर्मचारियों और के साथ हो, हिमाचल प्रदेश के 2.5 लाख कर्मचारियों के साथ, या हम तो बोले पेंशनर के साथ भी हो। तो ऐसी एक हम एक मांग इस मंच से जरूर करना चाहते हैं। और मैं साथ ही साथ ये कहना चाहता हूं कि जो हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार आई है, पिछले कल हमने एक बड़ी बात कही है कि आपने जो वादे किए हैं, जिसमें सबसे पहले आपने पेंशन बहाली की बात की है, या कोई और भी आपने जो वादे किए हैं, बीजेपी ने मैनिफेस्टो बनाया कि हम कर्मचारियों को 3 के बजाय 2 साल में रेगुलर करेंगे, मैंने एक एग्जांपल कोट किया कल भी, हम थक गए बोलते बोलते कि मैनिफेस्टो कहीं मैनिफेस्टो ना रह जाए। सर 4 साल लग गए हमारे को, 4 के 5वीं साल अभी हुई, 5वीं साल में कर्मचारियों का नियमितीकरण का जो पीरियड था वो 3 के बजाय 2 साल हुआ। मैंने कहा ऐसा मैनिफेस्टो नहीं होना चाहिए सर, 10 दिन बोला तो 10 दिन में होना चाहिए। सबसे पहला मुद्दा आपका पेंशन बहाली का है, मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा चैलेंज है, कोई छोटी बात नहीं है। हिमाचल जैसी स्टेट में जहां पर रेवेन्यू नहीं है, जहां पर रिसोर्सिस नहीं है, जहां पर कर्मचारियों की संख्या बहुत ज्यादा है, वहां पर पेंशन देने का ऐलान आपने किया है, और बहुत बड़ी बात की आपने, और कर्मचारियों ने आपका साथ भी इसलिए दिया है। पर लेकिन आप कैसे रिसोर्सिस जनरेट करें,
उसके ऊपर ये सरकार ने एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी, आंकड़े जुटाने शुरू कर दिए, मंगा दिया सारा रिकॉर्ड करा दिया। तो कल भी अग्निहोत्री जी ने बोला मुझसे, हमने वादा किया है तो हम करेंगे, और ये बात सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने भी कल कही है, हम करेंगे। मैं बधाई देना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए और सरकार को, अगर ऐसे दिन कर्मचारियों के हित में आते हैं तो वो एक स्वर्णिम अक्षर होगा हिमाचल प्रदेश के इतिहास में, और उसमें किसी एक वर्ग या एक की जीत नहीं होगी, उसमें जहां पे एनपीएस कर्मचारियों की जीत होगी वहां पे ओपीएस कर्मचारियों की भी जीत होगी, हम सब की जीत होगी, सामूहिक जीत होगी, क्योंकि कल को हमारे बच्चे भी उसी लाइन पे आने हैं, हमारे भाई बहन भी उसी लाइन पे आगे आने हैं, आप सबके भी आने हैं। तो ये मुझे कहना था, आपके कुछ प्रश्न हो गए तो उसको हम टेक ओवर करेंगे सभी। मैं एक बार दिल की गहराई से पूरे मीडिया बंधुओं का इतना आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपकी ताकत के कारण वीरेंद्र चौहान खड़ा रहा, अन्यथा मुझे तो ऐसी जगह फेंक दिया था जहां पर मीडिया भी नहीं था, ये बोल के मुझे फेंका था कि भाई ऐसी जगह ढूंढो जहां पर वीरेंद्र चौहान मीडिया को संबोधित ना कर सके। आपको बोला करते थे कि पेड़ के नीचे आप वीरेंद्र चौहान के बाइट लेते हैं, ऐसी क्या वीरेंद्र चौहान में खासियत है कि आप वीरेंद्र चौहान को हीरो बना रहे हैं, हर कहीं उसको आप खड़ा होकर उससे आप पूछते हैं उसके पास क्या ऐसा है। ताकत बोलने की होती है, और ताकत अंदर से जो जिगर होता है ना, जिगर बहुत जिगर चाहिए होता है, तलवार लटकी होती है कर्मचारी के ऊपर, हमने वो जिगर दिखाया, हमने प्रूफ किया है। हम चांजू से भी बोला करते थे, वहां भी मुझे मीडिया मिलता था, कुछ नहीं मिलता तो मैं बंद कमरे से आके अपनी बाइट देता था और कर्मचारी को अपना संदेश देता था, आप सुनते थे, और लाख लाख कर्मचारी लोग जो है मेरी पोस्ट को रीड करते थे, उसको सीन करते थे। मैं उन सब लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, और विशेषकर हिमाचल प्रदेश की पूरी मीडिया बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूँ, आपने बुरे वक्त में मेरा बहुत साथ दिया, जिस वक्त कोई साथ नहीं था आप मेरे साथ थे। कुछ लोगों ने तो बोला नहीं आपके साथ गलत हो रहा है, हम आपके साथ हैं। तो इससे बड़ी ताकत एक इंसान के लिए क्या हो सकती है। मैं बहुत बड़े मानसिक दबाव में भी था, मैं आज सच बताऊं आपको, इमोशनल बात कर रहा हूं, कि जिस तरह से मेरे पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट थे, मेरे साथ बहुत सारी परिस्थितियां थी, उस स्थिति में मुझे चांजू ज्वाइन करने जाना पड़ा, पांच पांच एडवोकेट्स और एडवोकेट जनरल की टीम हाईकोर्ट में लगा दी कि इसका सर्टिफिकेट करवाओ, किस तरह इसको भेजो। तो ये एक मानसिक प्रताड़न और शोषण नहीं है, उत्पीड़न नहीं है तो और क्या है। एक सरकार, एक मुख्यमंत्री बोलते हैं कि आप, मुझे खुद का माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी ने बोला कि आप तो बहुत बड़े प्रदेश के नेता हो गए, आपसे मैंने क्या बात करनी है, आप जाइए, मैंने बात नहीं करनी। मैंने बोला आपको बात करनी पड़ेगी, मैं घर की बात नहीं कर रहा हूं, ये पे कमीशन के अनुमति है, ये डिमांड चार्टर, इसके ऊपर आपको टाइम देना पड़ेगा। बोलते मैंने बात ही नहीं करनी, आप जाइए। मैंने बोला हम नहीं जाएंगे, ये बातें मैं आज सुना रहा हूं ऑन रिकॉर्ड आपको। मैंने कहा हम नहीं जाएंगे, ओकोर में बात हुई, कुछ लोग हमारे सूक्ष्म कर्मचारी के लोग थे साथ, वो डर गए। मैंने बोला सर बात तो आपको करनी पड़ेगी, ये डिमांड चार्टर है, ये एड्रेस करना पड़ेगा, ये लोगों के मुद्दे है। मुख्यमंत्री को जो समझ नहीं आया तो मुख्यमंत्री जो है वो मैदान छोड़ के भाग गए, वो अंदर उसमें चैम्बर, अपने चैम्बर में चले गए छोड़ के, हम नहीं गए वहां से। उसके बाद ये सारा दौर शुरू हुआ। फिर मुख्यमंत्री ने बड़ी बात कही कि अगर उसी दौर के बाद की बात है, मुख्यमंत्री को शायद ये बातें हाजम नहीं हुई, तो उन्होंने एक बड़ी चुनौती दे दी, शायद वो इनडायरेक्टली मेरे लिए वो चुनौती थी, कि अगर किसी को ज्यादा तकलीफ है, आपको पेंशन चाहिए, कुछ और चाहिए, तो आप चुनाव लड़के, नौकरी छोड़ के चुनाव लड़े। पर हमने नौकरी नहीं छोड़ी, पर हमने चुनाव जरूर लड़ा है मुख्यमंत्री महोदय, हमने अच्छे से चुनाव लड़ाया है, हम आरबीसी शिक्षा विभाग में हैं, और लेकिन हिमाचल की गद्दी किसी और के पास चली गई है, सिर्फ इतना फर्क हुआ है, मैं ये कहना चाहता हूँ। बाकी हार जीत चली रहती है, और नई सरकार को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। मेरी टीम के लोग हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे, आप कुछ बोलना चाहेंगे, और कोई आपका प्रश्न है तो आप उसको ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल। देखिए, अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो उसके पीछे कोई तथ्य हो गए। अगर एक एडिशनल डायरेक्टर उसी विभाग का कोई बात कह रहा तो उसने भी कोई तथ्य पे बात की होगी। अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं तथ्य पे बोल रहा हूं, कुछ बातें हैं जिसका देखिए, शरियाम खुलेआम ट्रांसफर हुई भी की है। आम आदमी ट्रांसफर को तरसता था, ट्रांसफर नहीं होती थी, जिसकी होनी उसकी 10 मिनट में ट्रांसफर होती थी, कोई डीओ नोट नहीं होता, कुछ नहीं। मैंने आरटीआई लगाई, आपको बताऊं, आपको पता है मेरे पास इतनी बड़ी आरटीआई है, मैंने 3400 रुपए आरटीआई में लिए है, कोरोना काल में जो ट्रांसफर हुई उसका सारा रिकॉर्ड मेरे पास है। मेरे को कुछ अधिकारियों ने बोला वीरेंद्र जी इसका खुलासा मत करो, रहने दो। जब मैंने उनको दिखाया कि इतनी ट्रांसफर आउट ऑफ ऑर्डर है, जिसमें ना मुख्यमंत्री के ना किसी और के, इवन की बहुत सारी ट्रांसफर है जो शिक्षा मंत्री के, उसमें भी नहीं, उसकी अप्रूवल भी नहीं है। मेरे पास एक एक चीज के रिकॉर्ड है, मैं आपको सारी आरटीआई की रिपोर्टें दे सकता हूं। एक सिंपल कागज पे अप्रूव हुई है ट्रांसफर, डायरेक्टर कर रहा है वो,
वो डिसऑर्डर नहीं तो क्या है वो, उसके पीछे अगर कोई गोल मार ली तो क्या है वो, क्या जरूरत पड़ गई एक डायरेक्टर को ओवररूल करने की, सीएम की पावर अपने हाथ में ली है। तो ये बहुत सी बातें हैं, ये सारी ऑन रिकॉर्ड आएगी, किस किसने क्या, किस किसने कितनी प्रॉपर्टियां बनाई है, कुछ लोग हमारे डेपुटेशन पे थे कहाँ थे, उन्होंने कितने फ्लैट खरीदे हैं, कहाँ से पैसा आया है, वो सारी बातें भी सामने आएगी, उस सब बात की जांच होनी चाहिए मेरे ख्याल से।